हाय गाइस, मेरा नाम प्रशांत मौर्य है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मतलब बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर, हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते समय हम किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो चीज़ हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट ना करें तो क्या होगा। सपोज डैट अगर हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें 2 से क्यों डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे, प्रॉपर एडवांस लेवल की ना कि बिगनर लेवल की। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप आईपी वर्जन 4 के बारे में जानना चाहते हैं, कितने बिट का होता है, क्या होता है, कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये सब का यूज क्या है, तो इन सब के चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम प्रशांत मौर्य है, मैं एक आईटी नेटवर्किंग प्रीसेल्स इंजीनियर हूँ। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम मैं शेयर करता हूँ रिलेटेड द नेटवर्किंग एंड वाईफाई स्विचिंग एंड सिक्योरिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि क्या है बाइनरी, क्या है डेसिमल, क्या है आईपी वर्जन 4 है हेक्साडेसिमल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, बाइनरी होता क्या है। बाइनरी जैसे कि आप, मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर यूज करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं बाइनरी, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 से मिलके बाइनरी नंबर मिलता है, मतलब 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब 1। इनकेस अगर हम मान लेते हैं ये स्विच है, स्विच की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऑफ हो सकता है या तो ऑन हो सकता है, बीच का इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब आपके घर में जो स्विच है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो स्विच है, उससे आप तो बल्ब को जला सकते हैं या बल्ब को बुझा सकते हैं, राइट। मतलब एक स्विच की 2 पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर स्विच ऑफ है तो समझो कि मान लेते हैं वो 0 है और ऑन है तो 1 मान लेते हैं। उसी तरह बाइनरी में 0 और 1। 0 और 1 कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं इसके बारे में बता दूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी हम कमांड डालते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है, या कमांड जाता है या कमांड नहीं जाता है, यानी पावर जाता है या पावर नहीं जाता है। तो इसी को 0 और 1 से डिनोट किया गया है। तो 1 बिट कैन रिप्रेजेंट 2 बाइनरी नंबर 0 एंड 1। दिस मीन्स 1 बिट हैज़ 2 पॉसिबिलिटी 0 और 1। मतलब एक बिट, मतलब ये एक स्विच है, एक स्विच की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। या तो ऑफ हो सकता है या तो ऑन हो सकता है। ये जो एक स्विच है इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है, मतलब 0 और 1। उसी तरह एक बिट की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2, या तो 0 या 1। मतलब हम कभी भी जो ये 2 है ना, 2 क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी। 2 मतलब 2 बाइनरी नंबर है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ये 2 इसलिए कंसिडर किया गया। एग्जाम्पल ग्रुप में 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, तो ये जो 2 है ना, ये क्या है, 2 इज नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट। ये 2 क्या है, बाइनरी डिजिट है, मतलब एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, मतलब 2 हमारे पास बाइनरी नंबर है। तो यहाँ मैंने 2 मेंशन किया, इसका पावर 1 है। 1 क्या है, हमने 1 इज बिट, मतलब कितना बिट है, एक बिट। एक बिट में कितने पॉसिबिलिटी होंगे, तो 2। 2 इज पॉसिबिलिटी, मतलब 2, ये जो 2 है ये नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट है। बाइनरी में कितने नंबर हैं, 2, 0 और 1। कितने बिट के लिए बनाना है, एक बिट के लिए, तो एक बिट इसका पावर लगा दिया, तो 2 का पावर 1 क्या होता, 2 होता है। मतलब एक बिट की कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2। उसी तरह एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 बिट है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे मैंने 2 बिट लिया है, तो 2 का पावर 2, ये 2 क्या है, ये है बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर में कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बिट है तो इसका पावर लगाए तो 4 बिट हो जाएगा। तो आंसर में देखिए, 0 0 एक पॉसिबिलिटी हो गई, 1 1 एक पॉसिबिलिटी हो गया, 0 1 एक और पॉसिबिलिटी हो गया, 1 0 एक और पॉसिबिलिटी हो गया। मतलब 2 बिट में हमें 4 पॉसिबिलिटी मिलती है, यानी 4 तरीके का आंसर आ सकता है 2 बिट में।
उसी तरह 3 बिट में 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 बिट में 16, 5 बिट में 32, 6 बिट में 64, 7 बिट में 128। मैं आप देख रहे हैं ना, ये कॉमन में सब में 2 है, तो 2 क्या है, ये बाइनरी की पॉसिबिलिटी बताता है, बाइनरी में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसी का नंबर यहाँ शो कर रहा है 2। आईपी वर्जन है 32 बिट, जो आईपी वर्जन होता है वो 32 बिट का होता है, 32 बिट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 का पावर 32। हमने बताया ना 1 बिट में 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो आईपी वर्जन है 32 बिट, ये 32 बिट का आईपी वर्जन होता है, तो इसमें कितने आईपी एड्रेस बन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स अराउंड द 5 करोड़ का नियर बाई 5 मिलियन या 5 करोड़, आई थिंक यू कैन कैलकुलेट हियर। आईपी वर्जन 4 डिवाइड इन 4 ऑक्टेट, आईपी वर्जन 4 है ना, उसको 4 ऑक्टेट में डिवाइस किया गया, एक ऑक्टेट ये हो गया दशमलव में डॉट के पहले, एक ये हो गया 168, फिर 1, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, और हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, मतलब 8 बिट का ये ऑक्टेट हो गया, 8 बिट का ये ऑक्टेट हो गया, 8 बिट का ये और 8 बिट का ये, टोटल करेंगे तो 32 बिट हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑक्टेट हैज़ 8 बिट्स। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर होता क्या है, बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्सा डेसिमल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। डेसिमल नंबर में ना 10 नंबर होते हैं, ए बेस ऑफ 10 नंबर सिस्टम यूजिंग द 10 डिजिट, मतलब 10 डिजिट का यूज होता है, 0 to 9। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम यूज द एवरी डे लाइफ फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग। आपके फ़ोन में भी ना 10 नंबर होंगे, 0 से लेकर 9 तक, इसलिए इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, हेक्सा डेसिमल में 16 नंबर होते हैं, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब होता है 16, डेसिमल मतलब नंबर। ए बेस 16 नंबर सिस्टम यूजिंग 16 सिंबल्स 0 to 9 एंड 8 to F। 16 तो हो गया, ये 16 नंबर आप देख रहे हैं ना, तो 0 to 9 तो 10 हो गए, ओके। और जो 6 बचे ना, वो ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ तक डिनोट करते हैं। इट इज ऑफ्टन यूज्ड द कंप्यूटिंग ऑफ द मोर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी कोड वैल्यूज। जो हेक्साडेसिमल का यूज होता है ना, कलर कोडिंग में होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा जब हम किसी में वाइट कलर को फिल करना होता है कलर कोड में, तो हैश लगा के एफ 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 दबा देते हैं, तो उसका जो कलर होता है वाइट हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल का यूज कलर कोडिंग में, ग्राफिक्स में, और जावा में, सीएसएम में, इसमें किया जाता है। एग्जाम्पल डेसिमल नंबर क्या होता है, आप देख लो 192, 168, 11, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कैसे हैं, यहाँ देखो 1 है, 9 है, 2 है, 1 है, 6 है, 8 है, 11, मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंक का ही यूज किया गया है, डेसिमल नंबर है गया। डेसिमल नंबर में 10 ही अंक होते हैं, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 1 होता है और 0 होता है, तो 1 1 0 0 1 1 0 1 0 आपको यहाँ दिख रहा है, 1 होगा और 0 से बना होगा बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से एफ तक के ही डिजिट होते हैं, तो CA0118। ये डेसिमल नंबर का ना बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल है, मतलब डेसिमल का हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बाइनरी, बाइनरी का डेसिमल, ये लिखा हुआ है, सब का लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं डेसिमल का बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ना हमने क्या किया है, मैं आपको एक बार पीछे लेकर चल दिखाता हूँ। हमने क्या किया, ये मान लीजिए 3 बिट है, तो 2 का पावर 3 कर दिया तो 8 आया। 8 ये कैसे आया, हम 2 को 3 बार गुना किए, 2 into 2 4 4 into 2 यानी 3। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पेन दिखाता हूँ, ये 2 को 3 को 8 कैसे आया, 2 into 2 into 8, 2 2 4 4 2 8 8 आया। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, राइट, तो हमें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। जब हमें
डेसिमल से बाइनरी में लाएंगे ना तो डिवाइड करेंगे, हमने इसमें टू टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से टू से डिवाइड करेंगे, क्यों दो से, कि पॉसिबिलिटी है बाइनरी नंबर की दो, इसलिए दो से डिवाइड कर रहे हैं। मैं एक बार यहाँ लेजर सेलेक्ट कर लूँ, दो से 192 में भाग देंगे तो 2 9 18 और एक यहाँ गया 2 6 12, यहाँ पे शेष मतलब जो शेष बचता है वो कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो इसे जीरो लिख दिया। वैसे ही 2 से 96 को डिवाइड किया, 2 से 48 को डिवाइड किया, जो बचता गया लिखता गया। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 2 1 2 1 2, ओके, तो एक से डिवाइड हुआ लेकिन एक शेष बच गया, जो शेष बच गया मैंने इधर लिख दिया, और इसे डिवाइड करके लिखा ना, तो यहाँ पे जो इसका बाइनरी नंबर लिखने का जो सही तरीका होता है वो नीचे से ऊपर की होता है, मतलब ये 1 से लेके ये 1 फिर ऐसे ऐसे ऊपर तक जाएगा। वैसे ही सबको अब डिवाइड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 168 करके डिवाइड किया गया, 34 आया, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 10 2 20 होता है, तो एक शेष बच गया तो एक यहाँ लिख दिया, फिर 2 5 10 हो गया, तो यहाँ शेष कुछ नहीं बचा, जीरो लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर इसको मैंने नीचे से ऊपर से लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा जो एक है, एक को डिवाइड करेंगे तो एक तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो इसे मैंने 2 ऐसे लिख दिया है, तो एक हो गया ना, तो एक तो हो गया बट नीचे मैंने अपने साइड से जीरो लगा दिया। आप पूछोगे सर आपने ये जीरो क्यों लगाया, तो आपको पता था, मैंने पहले बताया था कि जो ईच ऑक्टेट होता है ना वो 8 बिट का होता है, मतलब कि ये जो ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है ये 8 बिट का है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो हमें 8 बिट तो पूरा करना है ना, तो मैंने नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिया और 1 डाल दिया, तो ये 8 बिट पूरा हो गया, सेम ऐसा ही है। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर यहाँ लिखा हुआ है सबका, राइट। अब डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ईच बिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट कंसिडर करना है, मतलब इधर से इधर, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको पता है डेसिमल नंबर 0 से 9 तक जाता है, मैं 0 से शुरू होकर 9 पे जाके ख़त्म होगा, तो हम हर एक बाइनरी नंबर का पोजीशन डालेंगे किस पोजीशन पे है, तो ये पहला 0 किस पोजीशन पे है, 0 नंबर पोजीशन पे है, ये दूसरा 0 1 नंबर पोजीशन पे, तीसरा 0 3 नंबर पे, ऐसे करते करते ये 7 नंबर तक पोजीशन पे जाएगा। अब क्या करेंगे ना, अब ये तो हमारा ये हो गया बाइनरी नंबर हो गया, ये उसका पोजीशन बता दिए किस पोजीशन पे है, अब इस जिस पोजीशन पे है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0 है तो 2 का पावर, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 बाइनरी है, ये है उसका पोजीशन, कितने पोजीशन पे है वो मैंने गुना करके लिखा, और किसी भी ये 0 कहाँ से है, ये 0 है, ये 0 मैंने यहाँ लिखा, ये जो बाइनरी नंबर है ना ये ऐसे लिखा गया है, ये 2 जो है ये पॉसिबिलिटी लिखी गई बाइनरी नंबर की 0 और 1, और ये जो लिखा है इसका पोजीशन लिखा हुआ है। अब ये सबको गुना कर दिया, अब ये 2 को 7 से गुना करोगे तो 128 आएगा, और इंटू 1 करोगे भी तो 128 ही रहेगा, सबको मैंने लिख दिया। अब ये जितना आंसर आया ना सबको अगर ऐड कर देंगे तो आपका ये डेसिमल नंबर आ जाएगा, सेम वैसे ही सबको मैंने किया हुआ है, ये डेसिमल नंबर ऐसे आ जाएगा। अब बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये तो 8 बिट का होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 4 4 बिट में डिवाइड करेंगे। फिर आप पूछोगे सर इसको 4 बिट में क्यों डिवाइड करें, हम 6 बिट में क्यों नहीं करें, 8 बिट में क्यों नहीं करें। जो हेक्साडेसिमल का जो ग्राफ होता है ना, जिसका चार्ट होता है 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, इसका जो बाइनरी डिजिट होता है ना वो 4 ही होता है सबका, 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 ही डिजिट होगा, 4 से ऊपर डिजिट नहीं होगा, इसलिए इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। 4 भाग में डिवाइड किया, ये जो फर्स्ट वाला
ये जो पार्ट है 1100 ये किस कॉलम से मैच करता है, तो ये मैच करता है हमारा 1106 से, तो ये मैंने से लिख दिया, ये वाला जीरो से तो जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे ही सारे मैच करके मैंने लिख दिए। फिर ये C0 यहाँ C0 लिख दिया, A8 लिख दिया, 0101 डॉट लगा दिया, तो ये हेक्साडेसिमल में आ गया। और हेक्साडेसिमल का यूज किस लिए होता है, कलर कोडिंग, CSS, ग्राफिक्स, वेबसाइट की ग्राफिक्स डिजाइन करना, उस सब के लिए हेक्साडेसिमल का यूज होता है। आप सर पूछोगे सर ये चार्ट कैसे आपने बनाया, तो ये चार्ट बनाना आसान है। जैसे मैंने ये जो नंबर निकाला है ना 192, ये कैसे निकाला है, पोजीशन डाल के निकाला है, जीरो ये जीरो पोजीशन पे, ये वन, ये टू, ये थ्री। आप सेम क्या करो, ये जीरो के नीचे जीरो पोजीशन डाल दो, वन डाल दो, टू डाल दो, थ्री डाल दो, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करके लिख के से ऐड करोगे ना, तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आप जीरो से लेकर 9 तक ही लिखोगे, और 10 के बदले ए, 11 के बदले बी, 13 सी, ऐसे करके आप 16 बिट तक होता है, जीरो से लेकर एफ तक, मतलब जीरो से लेकर 15, मतलब टोटल ये 16 नंबर का होता है, जिसमें से 0 से लेकर 9 डेसिमल नंबर होते हैं और ए से भी अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं। ऐसे करके आप हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट में ही अपडेट कर दूंगा क्या इशू है क्या नहीं। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो देखा वीडियो। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी और भी रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप और भी नेटवर्किंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक रेट 14 सिस्को, सॉरी सिस्को, HP अरूबा एंड जूनिपर रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मैं इसी तरह के और वीडियो बनाऊँगा इजी वे में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।